क्वेश्चन नंबर सिक्स इज द सर्कुलर पोर्शंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सेमी सर्कल्स. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड इट्स एरिया. सो फर्स्ट पार्ट में हमें ये शेप गिवन है और क्वेश्चन में मेंशन है कि जो सर्कुलर पोर्शंस हैं, दिस सर्कुलर पोर्शन एंड दिस सर्कुलर पोर्शन, दे आर सेमी सर्कल्स. ठीक है, और हमने फाइंड करना है इस शेप का पेरीमीटर और एरिया. तो सबसे पहले बिफोर जंपिंग ऑन टू पेरीमीटर एंड एरिया, हम जरा फिगर को स्टडी कर लेते हैं. अब इस फिगर में दिस मेजरमेंट इज 21 सेंटीमीटर्स. तो इस सर्कल का डायमीटर कितना है? 21 मैम. 21. तो डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर्स और इसका रेडियस क्या होगा मैम? 21 डिवाइडेड बाय 2. वेरी गुड. 21 डिवाइडेड बाय 2 विच इज मैम 10.5. 10.5. यस, 10.5. वेरी गुड, 10.5 सेंटीमीटर्स. व्हाट अबाउट दिस सेमी सर्कल, क्या इसका भी सेम होगा इससे या डिफरेंट होगा? सेम होगा. बिल्कुल सेम होगा. तो आप ये भी कह सकते हो कि सिंस दीज टू सेमी सर्कल्स इनका डायमीटर सेम है, तो दीज टू सेमी सर्कल्स मेक अप वन सर्कल. तो आप उस तरह भी कर सकते हो. मैं आपको सेपरेटली ही करा रही हूँ, सेमी सर्कल्स अलग और बाकी शेप अलग. ठीक है, अब अगर हम इधर देखें, इस शेप को देखें, सेमी सर्कल्स को निकाल दें, इस शेप को देखें, दिस मेजरमेंट इज 21. ठीक है, और इस शेप में फ्रॉम दिस एज, ये जो सेमी सर्कल का टॉप है, टू दिस पार्ट, दूसरे सेमी सर्कल का एज, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज 36 सेंटीमीटर. और अभी आपने मुझे बताया कि इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, और इसका भी जो रेडियस है, लेट मी ड्रॉ इट स्ट्रेट. स्ट्रेट भी हो सकता है, स्लैंटिंग भी हो सकता है. दिस यहां से यहां तक डिस्टेंस जो कि रेडियस है वो 10.5 है. सिमिलरली सेंटर से किसी भी पॉइंट पे एज तक जो डिस्टेंस है दैट इज 10.5 सेंटीमीटर्स, और टोटल यहां से यहां तक 36 है. सो कैन यू टेल मी कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस मैम 36 से मैम हम 10.5 माइनस कर दें. ओके, और पहले आई थिंक किसी और स्टूडेंट, हारिस से पहले कोई और स्टूडेंट बोला था मैम 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर कैसे आएगा? 30 सेंटीमीटर. अच्छा, नो मैम, पॉइंट्स में होगा मैम. अगर 36 है मैम, हम 10.5 को माइनस कर दें. अच्छा, 36 में से सिर्फ 8 10.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या दो दफा करेंगे? दोनों दो दफा करेंगे. ये 10.5 है, दिस इज आल्सो 10. जी शमशान मैम, ये 15 मान रहे मैम. हम दो दफा मैम 10.5 को मैम 36 में माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि देखो इस साइड पे भी 10.5 सेंटीमीटर है, इस साइड पे भी 10.5 सेंटीमीटर है. लेट मी अरेज द इंक ताकि आपको जो रिटर्न है वो नजर आ जाए, जो टाइप्ड है. देखो यहाँ से इस सेमी सर्कल में भी 10.5 है और इसमें भी 10.5 है. जी अली मैम, पेरीमीटर हमने सिर्फ सेमी सर्कल्स का फाइंड करना है, होल फिगर का? होल फिगर का. ओके, और अभी पेरीमीटर या एरिया फाइंड करने से पहले हम थोड़ी मेजरमेंट्स देख रहे हैं कि किसकी क्या क्या मेजरमेंट्स बनेंगी. समसाम, आपको समझ आई कि हमने दो दफा क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि एक ये 10.5 है, दिस इज आल्सो 10.5, और टोटल 36 था, उसमें से ये 10.5 भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, देन वी आर गोइंग टू गेट द विड्थ ऑफ दिस शेप. ठीक है, ओके मैम. तो कैसे आ रही है हमारे पास ये मेजरमेंट? 36 माइनस 10.5 माइनस 10.5 विच इज 15 सेंटीमीटर्स. सो शुरू में किसी बच्चे ने बताया था कि 15 सेंटीमीटर्स, सो वेरी गुड
टू दैट चाइल्ड. अब मुझे बताएं कि व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ दिस साइड. 15 सेंटीमीटर. ये 15 सेंटीमीटर. सो नाउ दैट वी हैव रिटन द मेजरमेंट्स, अब हम पेरीमीटर पे आते हैं. पेरीमीटर क्या होते हैं? सम ऑफ ऑल द आउटर बाउंड्री की मेजरमेंट. ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड्स. अब हम किसी एक जगह से शुरू कर लेते हैं फिगर में. लेट्स सपोज इस पॉइंट से शुरू कर देते हैं जहां आपको रेड डॉट नजर आ रहे हैं. यहां से स्ट्रेट हम जा रहे हैं इस पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर. फिर अब हम कर्व में मूव करने लगे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 10.5 या 21? ये कर्व 21 होगा. 10.5. Isn't it a semicircle? 21 होगा. क्या ये सेमी सर्कल में हम मूव हुए थे अभी? यस मैम, इसका तो कोई नहीं होगा अबे. मैम इसका अंदर का होगा. हाँ, 21 सेंटीमीटर. 21. अच्छा, सेमी सर्कल है. इसकी जो बाउंड्री जो हम मूव किए थे जिस बाउंड्री पे, उसको क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस. ठीक है, और सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है सर्कल के लिए? 2πr. यस, 2πr. और यहाँ जब हम मूव किए तो हम सेमी सर्कल में हुए, हाफ ऑफ अ सर्कल में हमने मूव किया. तो फिर क्या लिखेंगे हम? 2πr की जगह हम फिर क्या लिखेंगे? 1/2πr. यस, हाफ ऑफ 2πr. बाकियों को समझ आई? वेरी गुड हारिस. व्हाट अबाउट अदर्स, आपको समझ आई? मैम दोबारा एक्सप्लेन करें. अच्छा ठीक है. देखिए, जब अब आपको रेड डॉट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे नजर आ रहा है सेमी सर्कल के, जब सेमी जब डॉट इस तरह से मूव करेगा तो डॉट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? ठीक है, हाफ ऑफ द सर्कल, जिसे हम सेमी सर्कल कहते हैं, हाफ ऑफ द सर्कल. और आउटर बाउंड्री जो होती है सर्कल की, उसको क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस. तो सेमी सर्कल में मूव किया, यानी हाफ ऑफ द सर्कल में मूव किया है. और मूव कितना किया है? जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का, तो हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2πr. जब कर्व होती है, सर्कल होता है, आर्क होती है, तो हम फिर सर्कमफेरेंस का यूज करते हैं सर्कल के अकॉर्डिंग. जी अली मैम, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते मैम, प्लस पाई आर. बिल्कुल, वो कटिंग बाद में होगी, फिर हम लिख सकते हैं. ओके मैम. ठीक है, अभी मैंने चूंकि एक्सप्लेन करना था तो आई हैव रिटन इट कम्प्लीटली. तो अब समझ आ गई कि कर्व का क्या मतलब है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. और हाफ में हमने मूव किया तो हाफ साथ लगाया. ठीक है, ओके मैम. अच्छा, अब आगे हम स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, तो ये कितना डिस्टेंस है? मैम 15 सेंटीमीटर. मैम 15 सेंटीमीटर. यस, 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर. और अब दोबारा से हम सर्कल में मूव कर रहे हैं, हाफ ऑफ द सर्कल में. 1/2 2πr. वेरी गुड, 1/2 2πr. वेरी गुड, 1/2 × 2πr. किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम. इज इट क्लियर? दो दफा क्यों लिखा है 1/2 + 2πr? दो दफा प्लस. अच्छा देखो बेटा, एक दफा क्योंकि दो सेमी सर्कल्स हैं, एक दफा हम इधर से मूव कर रहे थे तब के लिए लिखा, और एक दफा हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे उसके लिए हमने लिखा. ठीक है, तो शैल वी पुट इन द वैल्यूज नाउ? यस मैम. ओके, सो 15 सेंटीमीटर एज इट इज, 2 and 2 की कटिंग हो जाएगी, पाई आर, और रेडियस जो है वी हैव 10.5, तो रेडियस की जगह वी विल पुट 10.5, so we have pi into 10.5 plus 15 centimeter as it is plus 2 or 2 ki again cutting ho jayegi, pi radius, radius is again 10.5, to humare paas aa jayega plus pi into 10.5, and when you will use your calculators to add these numbers, we get 95.97 centimeter, which is the perimeter of this entire figure. अब second part में हमने area find करना है, area of this entire figure. और area of figure में basically अगर हम इस figure को देखें, तो we have a rectangle and we have two semicircles. और अगर इन semicircles को देखें, तो इनका radius same है.
तो अगर रेडियस सेम है टू सेमी सर्कल्स का, तो हम ये कह सकते हैं कि दीज टू सेमी सर्कल्स आर इक्वल टू वन सर्कल। तो एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ द फिगर फाइंड करने के लिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे एंड देन वी विल फाइंड एरिया ऑफ सर्कल और दोनों को फिर हम ऐड कर देंगे। सो एरिया ऑफ फिगर जिसको मैंने ए और सबस्क्रिप्ट में एफ के साथ डिनोट किया है, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल को और सी रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को। अब पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम रेक्टेंगल को देखें तो रेक्टेंगल की लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर। तो हम वैल्यूज पुट इन करेंगे 15 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 315 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होंगे वी विल हैव सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल को देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज पाई आर स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे हमारे पास है 10.5, सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे रेडियस में 10.5, सो वी विल हैव पाई एज इट इज। रेडियस में 10.5 सेंटीमीटर और इसका हमने स्क्वायर लेना है। दिस इज इक्वल टू 110.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं कैलकुलेशंस में पाई को एंड तक रखती हूँ और फाइनल आंसर जब फाइंड करना होता है उस वक्त मैं पाई को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ यूजिंग कैलकुलेटर। अब जब हमने एरिया ऑफ फिगर फाइंड करना है तो वो इन दोनों एरियाज को ऐड करके आएगा। सो एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू 315 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 110.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज एरिया ऑफ सर्कल। और जब मैं 110.25 को पाई से मल्टीप्लाई करूंगी और उसमें 315 ऐड करूंगी तो आई विल हैव 661.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द एंटायर फिगर। हैप्पी लर्निंग।